14 नवंबर देश में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस जयंती को मनाने के पीछे का कारण बच्चे हैं। इस दिन को बच्चों की खुशियों व अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मनाया जाता है। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था और उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आज लवकुशनगर में श्री विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया और बाल दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूल प्रबंधन ने बाल मेले का आयोजन भी किया, जहां स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मेले में अपनी अपनी दुकानें लगाए और स्कूल के बच्चों ने मेले का भरपूर आनंद उठाते हुए दुकानों से खरीदारी सहित तरह तरह के पकवानों का आनंद लिया, तो वहीं बच्चों ने झूला भी झूला। बाल मेले का बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं स्कूल प्रबंधक रजनीश सोनी ने बताया कि 14 नवंबर को हर साल स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में नगर के अधिकारी व गणमान्य नागरिक व पत्रकार रहे उपस्थित। राज इंडिया 18 के लिए क्षेत्रीय ब्यूरो अशोक सिंह भदौरिया लवकुशनगर। पैसे लेके खिला रही होगी टोकन से? नहीं, स्कूल के टीचरों को पैसे देके टोकन लेने हैं, फिर कल वो टोकन जमा कर दिए जाएंगे, जब बच्चों के लिए काम करेगी तो कल टीचर वो पैसे दे देंगे। ये 14 नवंबर को हमेशा बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बाल मेले का करीब 7-8 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं नियमित, और इस बाल मेले का उद्देश्य हमारा बच्चों के अंदर सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, बच्चे अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मतलब कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, कैसे चीज़ों को सेल करना है, कैसे हमें करेंसी कलेक्ट करनी है, इन सब चीज़ों की बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को अनुभव मिलता है। सर, बच्चे खरीदारी किस माध्यम से कर रहे हैं? बच्चों को हमने, चूंकि कोई दिक्कत ना जाए, छोटे बच्चे भी रहते हैं, करेंसी फुटकर नहीं रहती उनके पास, तो हमने एक सिस्टम रखा है कि बाहर कूपन सेल करवा रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये के कूपन हैं, और जो हमारा स्टाफ सेल करता है उस कूपन के माध्यम से बच्चों को कोई लेन देन में, चूंकि बच्चे कक्षा 2 कक्षा 3 के भी रहते हैं छोटे बच्चे, इसलिए उन्हें कोई लेन देन में दिक्कत नहीं जाती, सीधे कूपन लेते हैं वो और उतने रुपए की वो सामग्री प्रदान करते हैं। वो करीब 7-8 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं।